अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम्स फैशन आइकॉन्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों को सिंपल नेक कटिंग सिखाऊंगी कि किस तरह से नई लड़कियां जो सिलाई सीख रही होती हैं वो आसानी से, यानी कि शुरू से गला किस तरह से सिंपल बनाएं। पहले सबसे पहले आप लेंगे 5.5 तक चौड़ाई और 16 इंचज़ तक मैंने लंबाई ली है, स्केल छोटा है। और इस तरह से आप पहले फ्यूजिंग अलग कर लें ताकि आपको आसानी हो कटिंग करने के लिए। उसके बाद आप 3 इंचज़ की चौड़ाई लेंगी, ठीक है। उसके बाद आप लेंगी लंबाई, जो लेंगी आप वो लेंगी 5 इंचज़ की। इसी तरह से हम यहाँ से भी चौड़ाई जो लेंगे वो 3 इंचज़ लेंगे। और इसको हम यहाँ से स्क्वायर शेप दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से 1 इंच में निशान लगाएंगे। उसके बाद हम इसको गोलाई शेप देंगे। और फिर उसके बाद हमें यहाँ से 1 इंचज़ का वो चाहिए, 1 इंच यहाँ से हम लेंगे, 1 इंच हम यहाँ से लेंगे। इसको हम यहाँ से यूँ मिला देंगे, ठीक है। और हमारा जो गला है ना, हम इसको यहाँ से यूँ शेप दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने करना है 1-1 इंच या आधा आधा इंच आपको लेना है, एक्स्ट्रा रखना है ताकि आप फ्यूजिंग कपड़े में प्रेस करें और इस लाज से आप सिलाई कर लें कि थोड़ा थोड़ा आपने एक्स्ट्रा रखना है यहाँ से, इस तरह से। यहाँ से एक चाहें तो थोड़ा सा यहाँ से भी रख लें। के बाद आपने यहाँ से इसको अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। कटिंग हम पहले बाहर के साइड से करेंगे, जो हमने एक्स्ट्रा रखा है। के बाद फिर हम अंदर की कटिंग करेंगे। और इस तरह से हमारी शेप आएगी गले की। हम इसे बीच से कटिंग नहीं करेंगे, हम इसे कपड़े में फ्यूजिंग चिपकाने के बाद की कटिंग बीच से करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, कपड़ा है, हमें इसमें ये गला प्रेस करना है। हम इसको उल्टा करके रखेंगे, इसलिए बहुत गर्म हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला गला था ना हमारा, इसको हम प्रेस करेंगे, बिल्कुल सेट करते हैं, ठीक है। आप इसका वो भी ले सकती हैं चेक करने के लिए कि आप इस तरह से प्रेस कर सकती हैं, साइज लेकर कि आपने बिल्कुल सही रखा हुआ है, सेंटर है। आप इस तरह से रखें और फिर इसको प्रेस करें। कर दिया। स्टॉप कर दो इसको, अच्छी तरीके से मैं प्रेस कर लूँगी फ्यूजिंग। चलो अभी हमारा फ्यूजिंग चिपक गया है। अब हमने क्या करना है, हमें कटिंग करना है। हम इसके बिल्कुल सेंटर से कटिंग करेंगे और इसके सेंटर जितना आपको कटिंग करना हो आप काट दें, ठीक है। अभी मैं कटिंग कर रही हूँ। क्योंकि हमें इसमें पाइपिंग करना है तो हम बिल्कुल फिक्स कर रहे हैं ऐसी कटिंग।
स्टॉप कर रहा हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ हमने पाइपिंग लगा ली है। उसके बाद हम पाइपिंग के लगाने के बाद उसमें 1 इंच के गैप से सिलाई करेंगे, जो कि इसमें सिलाई हो रही है। इसके बाद हम एक अलग से कपड़ा लेंगे जिसको हम अंदर लगाएंगे गले को बंद करने के लिए। पाइपिंग के साथ हम इससे अटैच कर देंगे। को आप बहुत ही ध्यान से कीजिएगा ताकि फिनिशिंग के साथ पाइपिंग और कपड़ा जो है अंदर से नज़र ना आए, ऊपर पाइपिंग ही आए हमारी, ताकि गला जो है बहुत खूबसूरती के साथ बने, सफाई से बने। तो व्यूवर्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहें। और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो किस तरह की लगी और आप मज़ीद आगे किस तरह की डिज़ाइनिंग देखना चाहते हैं। यहाँ आपको बहुत ही ध्यान से आपको मोड़ना है और फिक्स आए, दोनों पाइपिंग को मिलाकर आप फिक्स करके इसकी सिलाई लगाएंगी। गले की जो सिलाई होती है बहुत आराम से सफाई से करनी चाहिए, क्योंकि हमारा नेक जो होता है उसी की सिलाई यानी फिनिशिंग से आए तो कपड़ा अच्छा लगता है, लुक अच्छा आता है। आराम आराम से आप सिलाई करें ताकि फिनिशिंग आए। इसके बाद ये देखें गले का कितना प्यारा लुक आया है, सफाई के साथ पाइपिंग लगी है, अब सादा है। और इसके बाद हम बटन लगाएंगे, बटन लगा के इसमें हम अटैच कर देंगे बटन। अब बताएं आप किस तरह आपको लगा गले का डिज़ाइन। जो नई लड़कियां न्यू न्यू सिलाई सीख रही होती हैं उनके लिए बहुत इजी है। उम्मीद करूँगी कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।